राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का दौर अभी जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के पथरिया से लखन पटेल के द्वारा पथरिया के विभिन्न अंचलों में पहुंचकर भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह किया गया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी रही। पूरे विश्व के पटल पर, हिंदुस्तान भर नहीं, पूरे विश्व के पटल पर आज अयोध्या का चर्चा का विषय है। जैसा दिलीप जी ने बताया, 492 साल लगभग हो गए इस विवाद को, और 492 साल में ये विवाद अभी उलझ सुलझ पाया। और हम सब सौभाग्यशाली इसलिए है कि प्रभु राम के काम में हर आदमी लगा हुआ है, कोई कम लगा, कोई ज्यादा लगा, कोई बहुत लगा हुआ है, लेकिन प्रभु राम के काम में हर आदमी लगा। लेकिन ये प्रभु राम का काम, राम का नाम तो सब लेते, लेकिन एक मंदिर का भव्य निर्माण ऐसे समय पर हो रहा है जब हम सब उसके प्रत्यक्ष दर्शी होंगे, प्रत्यक्ष गवाह होंगे। वो है अगुआ है ना कोई पिछुआ है, सारे के सारे अगुआ है, सारे के सारे पिछुआ है, पर सब पीछे भी रह सकते, सब आगे भी रह सकते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए अपन इस अवसर को भरपूर प्रभु को समय समर्पित करें, अपना समय दें, अपना समर्पण करें। बहुत ही भक्त करने वाला है, क्योंकि दोनों दिन है बहुत ही हरिद्वार की कालिदास से मिले, और इसलिए कालिदास रानी का मैच होने जा रहा है। यहाँ कभी नहीं हो, यहाँ